गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट्स पालागालो। मैं हूं कांक्षा। आज के इस वीडियो में, जैसे कि आपको वीडियो के टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा, हम बात करने वाले हैं मेरे स्किन केयर एमटीज के बारे में। इसके साथ साथ मैं कुछ बहुत बेसिक ब्रीफली उन प्रोडक्ट्स के फीचर्स आपके साथ शेयर करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि क्या उन प्रोडक्ट्स को मैं रीपर्चेस करने वाली हूँ। तो मुझे उम्मीद है अगर आप भी मेरी तरह ऑयली एक्ने प्रॉन सेंसिटिव स्किन टाइप वाली कैटेगरी में लाइक करते हैं तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी फेस क्लेंजर से। ये जो वीडियो है अभी मैं करीब 3-4 महीने के बाद बना रही हूँ, तो इन 3-4 महीने में कई सारे फेस वॉशेस हैं जो मैंने फिनिश किए हैं। ये तीनों ही मैं जनरली मॉर्निंग में यूज करती हूँ। ये है डॉक्टर शेड का सीका सेरामाइड रेंज का जेंटल क्लेंजर। अमेजिंग प्रोडक्ट है। मैं इसकी 2 बॉटल ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूँ और आई डोंट रिमेम्बर कि कितनी बार अपनी वीडियोस में मैंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात की है। तो एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। आपकी स्किन टाइप चाहे कोई भी हो, आपको कोई भी स्किन कंसर्न हो, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। इवन अगर आप एक टीनेजर भी हैं तब भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और सिमिलरली ये दोनों, ये जो है यह है 2% नियासिनामाइड क्लेंजर, जेंटल क्लेंजर द डर्माको का, और ये है इनका सैलिसिनामाइड रेंज वाला क्लेंजर। जैसे कि आपको पता है मेरी स्किन है एक्ने प्रॉन, तो सैलिसिनिक एसिड वाले क्लेंजर्स हमेशा मेरे स्किन केयर रूटीन में रहते हैं। तो ये 2 फेस वॉशेस हैं जनरली, इन्हें भी मैं दोनों को मॉर्निंग में ही यूज करती हूँ डेली बेसिस पे। दोनों ही बहुत जेंटल है, आपकी स्किन को ड्राई नहीं करते और दोनों में ही आपको सैलिसिलिक एसिड मिल रहा है। सैलिसिलिक एसिड ऑयल को कंट्रोल करने में, बैलेंस करने में भी आपकी हेल्प करता है, पोर्स को अनक्लॉग करने में भी आपकी हेल्प करता है। और इन दोनों ही प्रोडक्ट में क्योंकि नियासिनामाइड भी है, तो एडिशनली ये आपकी स्किन पे अगर कोई पिगमेंटेशन वगैरह के साइन है उसे भी फेड आउट करने में हेल्पिंग हैंड का काम करते हैं। फेस क्लेंजर्स के बाद मैं बात करना चाहूंगी टोनर्स के बारे में। मेरे करंटली अभी 2 फेवरेट टोनर चल रहे हैं जिन्हें मैं यूज कर रही हूँ। इन्हें ये तो नहीं कहूंगी कि मैं उन्हें पूरा फिनिश कर चुकी हूँ, लेकिन आप बॉटल का साइज देख सकते हैं, उसके साइज में आप कंपेयर करेंगे तो मैं कहूंगी कि काफी हद तक ये खत्म ही हो गया। और आई डोंट नो कि नेक्स्ट मंथ में ये एमटीज वाली वीडियो बनाऊंगी या नहीं, तो इसीलिए इन दोनों प्रोडक्ट्स को मैंने इसी वीडियो में ऐड कर दिया। ये जो प्रोडक्ट है इसे मैं जनरली मॉर्निंग में आजकल यूज कर रही हूँ और इसे मैं नाइट में यूज करती हूँ। इसकी मैं 2 या 3 लेयर लगाना प्रेफर करती हूँ एक बार में। दोनों ही बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। जब आप इन प्रोडक्ट्स को अपने स्किन केयर रूटीन में डालते हैं तो 1-2 वीक में आपको पता नहीं चलता कि ये जो टोनर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इन प्रोडक्ट्स की 1-1 बॉटल यूज कर लेते हैं तो आपको वाकई में ही अपनी स्किन में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो मेरी तरफ से ये मस्ट ट्राई टोनर्स हैं। देन मैं बात करना चाहूंगी मॉइस्चराइजर्स के बारे में। रिसेंटली मेरे कई सारे मॉइस्चराइजर फिनिश हुए हैं, उनमें से सबसे पहले मैं रखना चाहूंगी कील्स के अल्ट्रा फेशियल ऑयल फ्री जेल क्रीम को। इसके बारे में मैंने आपसे कई बार बात किया, जब भी कोई बेस्ट मॉइस्चराइजर वाली वीडियो मैं बनाती हूँ ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन के लिए, तब मैं इसकी बात जरूर करती हूँ। आप देख सकते हैं इसे मैंने कितना चार्ट पहुंच के खत्म कर दिया है, इसमें अभी कुछ नहीं बचा, लेकिन मैंने इसे रीपर्चेस भी नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव एक मॉइस्चराइजर है। ये मुझे बहुत बहुत पसंद था, लेकिन क्योंकि ये 2800 से नीचे का किसी भी सेल में किसी भी साइट पे मुझे नहीं दिखाई दिया, तो मुझे लगा 50 ग्राम क्वांटिटी के लिए 2800 रुपीज डालना थोड़ा सा ज्यादा है एक मॉइस्चराइजर के लिए, तो इसीलिए मैंने इसे रीपर्चेस नहीं किया। ओके, नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी इसकी है सेटाफिल का ऑप्टिमल हाइड्रेशन 28 आवर एक्टिवेशन सीरम। ये वैसे कहने के लिए सीरम है, आपका इसका सेपरेट रिव्यू मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन मैं इसे मॉइस्चराइजर की तरह यूज करती हूँ। ऑलरेडी 2 बॉटल फिनिश करके अभी 1 मेरी इस मॉइस्चराइजर की चल रही है। तो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, 600 something रुपीज में आपको अमेजोन पे ही आराम से मिल जाएगा। मैंने अभी जो इसका नेक्स्ट पैक लिया था वो अमेजोन की एक सेल से लिया था, जिसमें मुझे ये अराउंड 630 रुपीज में मिल गया था। जनरली ये 660 रुपीज में रहता है, 2 बॉटल में इसकी 660 रुपीज में मैंने खरीदी और उसके बाद अभी मुझे 630 रुपीज में ये मॉइस्चराइजर मिल गया था। देन है डॉक्टर शेड का सेरामाइड विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। ये मेरा 1 of the favorite मॉइस्चराइजर है। इसके बारे में भी मैंने आपसे बहुत बार बात की है, तो जब भी मुझे कोई मॉइस्चराइजर नहीं दिखाई देता, जैसे कि ये मेरा मॉइस्चराइजर खत्म हो गया था, तो मैं इस मॉइस्चराइजर पे रिलाई कर सकती हूँ। तो ये एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है अफोर्डेबल रेंज में। देन मैं बात करना चाहूंगी नेक्स्ट मेरे फेवरेट मॉइस्चराइजर के बारे में। ये है द ऑर्डिनरी का नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर। ये मेरी 3rd ट्यूब है जो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है, थोड़ा सा प्रोडक्ट अभी इसमें बचा है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड में आती है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। ये आपको 30 ग्राम क्वांटिटी मिल जाएगी 560 रुपीज में आई गेस, तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा सा थिक ये मॉइस्चराइजर है। इसमें सारे के सारे ऐसे इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन
लाइक होते हैं। तो इस मॉइस्चराइजर को मैं पर्सनली जब अपनी स्किन को केमिकली एक्सफोलिएट करती हूँ उसके बाद लगाना प्रिफर करती हूँ। 2 दिन तक मैं यही वाला मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छे से काम करता है, थोड़ा सा ठीक है, तो इसलिए बहुत पीक समर में मैं इसे डेली बेसिस पे यूज नहीं कर पाती। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपको बम्पी स्किन की प्रॉब्लम है और आपको कोई भी स्किन कंसर्न है, कोई अच्छा मॉइस्चराइजर नहीं दिखाई दे रहा, तो आप इस पे रिलाई कर सकते हैं। यह है द ऑर्डिनरी का मॉइस्चराइजर, अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ ये 3 मॉइस्चराइजर हैं जो मेरे रिसेंटली फिनिश हुए हैं। यह है सिंपल का हाइड्रेटिंग जेल क्रीम, इसका मैंने सेपरेट रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया था। छोटे वाला पैक है, 3 पैक में इसका छोटा छोटा वाला ही फिनिश कर चुकी हूँ। इस मॉइस्चराइजर को जनरली मैं रात में डालना अपने स्किन केयर रूटीन में प्रिफर करती हूँ। अमेजिंग प्रोडक्ट है, यू शुड ट्राई दिस वन। एंड देन है मेरे पास इनिसफ्री का ग्रीन टी सीड हेलोरॉनिक क्रीम। ये थोड़ा सा थिक साइड में आता है, तो जब ये मॉइस्चराइजर बचा हुआ था तब मैं इसे सिर्फ और सिर्फ तब यूज करती थी जब मैं अपनी स्किन को केमिकली एक्सफोलिएट करूं, अदरवाइज नहीं। इसे मैंने रीपर्चेस नहीं किया क्योंकि रिंस फ्री के जो प्रोडक्ट हैं अगेन बहुत एक्सपेंसिव साइड में आते हैं और ये इतना मस्ट हैव प्रोडक्ट में से नहीं है कि मैं इसे रीपर्चेस करूँ। देन है सो ट्रू की सेरा काम मॉइस्चराइजर, इसके बारे में भी मैं आपसे कई बार बात कर चुकी हूँ। अमेजिंग प्रोडक्ट है इसके, इसमें आपको 2 वेरियंट मिल जाते हैं, एक ऑयली स्किन के लिए और एक नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए। मुझे पर्सनली नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाला ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए ये वाला मैं फिनिश कर चुकी हूँ। ऑयली स्किन वाला भी मैंने यूज़ किया है, दोनों एक्चुअली ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, बट ये मैंने ज़्यादा यूज़ किया है, बस समहाउ ये पहले रखा था तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा यूज़ किया, अभी वो वाला बचा हुआ है। बट ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं, कंपोजिशन बहुत अमेजिंग है, उसके साथ साथ ये बहुत अफोर्डेबल भी है। तो यही, और हाँ इसके साथ ओके, एक मेरा फेस वॉश है जो मैं भूल गई बताना आपको, यह डॉटन की का पैरियर रिपेयर प्लस हाइड्रेटिंग जेंटल फेस वॉश। ये वाला जो फेस वॉश है ये जेल फेस वॉश है, इसे मैं जनरली इवनिंग में यूज करती थी। अभी एक्चुअली खत्म हो गया और मैंने इसे स्टॉकअप भी नहीं किया क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फेस वॉश अभी लाइंड अप हैं जो मैं यूज कर रही हूँ करंटली। तो ये वाला जो फेस वॉश है इवनिंग में मैं डबल क्लेंजिंग के बाद यूज करती थी। तो पहले मैं एक क्लेंजिंग बाम से, अपना क्लेंजिंग मिल्क से या फिर अपना फेस क्लीन करने के बाद, उसके बाद मैं कोई भी बेसिक सा अपना जेल क्लेंजर यूज करती हूँ इवनिंग में। आपको मेरे चैनल पे हाउ टू डू डबल क्लेंजिंग वाली वीडियो मिल जाएगी, छोटी सी वीडियो मैंने एकदम क्लियरली आपके लिए बनाई थी, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। ओके, क्लेंजर वाली ही कैटेगरी में एक और मेरा था जो मैंने फिनिश किया था, यह है कॉस आरएक्स का स्नेल म्यूसिन रेंज वाला क्लेंजर। इसे मैंने रीपर्चेस नहीं किया, उसका रीजन भी जब मैंने इसका रिव्यू आपके साथ शेयर किया था कंपैरिजन वीडियो इस क्लेंजर की कॉन्शियस केमिस्ट के सिमिलर रेंज वाले क्लेंजर से, तब आपको बताया था कि इसे मैंने रीपर्चेस क्यों नहीं किया। तो बट ओके काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मैं रीपर्चेस नहीं करूंगी क्योंकि इससे अच्छे क्लेंजर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ओके, देन मैं बात करना चाहूंगी कुछ सीरम्स के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे मैं रखना चाहूंगी इनिसफ्री का विटामिन सी ग्रीन टी एंजाइम ब्राइटनिंग सीरम। ये मैंने 10 ml क्वांटिटी नायका की पिछली जो पिंक फ्राइडे सेल थी और समथिंग उस टाइम पे ली थी, 3-4 इनके सीरम लिए थे इनिसफ्री के। ये मुझे इतना अच्छा लगा कि अभी जो नेक्स्ट प्राइम डे सेल आई थी अमेजोन पे, उस पे मैंने इसकी बड़ी वाली 2 बॉटल एक साथ परचेस कर ली क्योंकि 12 महीने की शेल्फ लाइफ इसके साथ मिलती है। इससे पहले तक पिछले 3 साल से मैं क्लेयर्स का विटामिन सी सीरम यूज कर रही थी, लेकिन ये वाला सीरम यूज करने के बाद मैंने इस पे स्विच कर दिया है। एक तो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो ऑयली था, जो अगर आपने उसे यूज किया हो तो आपको पता होगा कि वो जो उसका फॉर्मूला है वो ऑयल बेस्ड है। मेरे लिए अच्छे से काम कर रहा था, मुझे कोई इशू नहीं हो रहा था। 3 साल में मैंने अपनी स्किन में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट ऑब्जर्व किया है उस विटामिन सी सीरम को अपनी स्किन केयर रूटीन में डालने के बाद, बट ये भी बहुत अच्छे से काम करता है और एक्चुअली मुझे कंसिस्टेंसी वाइज और रिजल्ट वाइज ये ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इस पर स्विच कर दिया। तो अगर आप भी कोई विटामिन सी सीरम जेंटल, एकदम जेंटल अपनी स्किन के लिए खोज रहे हैं, तो आप इनिसफ्री के इस विटामिन सी सीरम को चांस दे सकते हैं। इसका सेपरेट रिव्यू 3 महीने के रिजल्ट्स के साथ बहुत जल्दी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। देन है डॉक्टर शेड का हल्दी हेलोरॉनिक एसिड सीरम जो मैंने फिनिश कर दिया है। मुझे 2 हेलोरॉनिक एसिड सीरम पसंद है, एक है प्लम वाला और एक है ये वाला। तो अगर आप हेलोरॉनिक एसिड सीरम अपने स्किन केयर रूटीन में डालना चाहते हैं, स्पेशली अगर आपको बम्पी स्किन की प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, तो आपको डालना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि या तो आप ये वाला लीजिए हल्दी हेलोरॉनिक रेंज डॉक्टर शेड की, या फिर आप प्लम का हेलोरॉनिक 3% सीरम लीजिए। अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट है। देन मैंने रिसेंटली प्लम का ग्रीन टी एक्सफोलिएटिंग पील ये फिनिश किया है। आई डोंट रिमेम्बर कितनी बॉटल्स मैं इसकी फिनिश कर चुकी हूँ और ये हमेशा मेरे पास स्टॉक में भी रहता है। तो फिलहाल
ये वाली बॉटल मेरी खत्म हुई है, आई गेस इसमें एक बार का बचा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक बार अभी ये मैं यूज कर पाऊंगी। और देन रिसेंटली ही मैंने ये वाला एक पीलिंग सोल्यूशन भी खत्म किया, यह है द डमको का 15% AHA BHA बिगनर फेस सीरम। इसमें अभी थोड़ा सा बचा है लेकिन इसे भी मैं कहूंगी कि एम्प्टी वाली कैटेगरी में ही है, तो ये वाला भी एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। आप अगर इंटरमीडिएट स्टेट पे भी हैं तब भी आप ये 15 ml वाला बिगनर फ्रेंडली जो पीलिंग सॉल्यूशन है वो ट्राई कर सकते हैं, अमेजिंग प्रोडक्ट है। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम है, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है, टैनिंग की प्रॉब्लम है, तो आपको अपनी स्किन को कम से कम भी एक बार वीक में केमिकली एक्सफोलिएट जरूर करना चाहिए, और सनस्क्रीन लगाना एक मस्ट स्टेप है, आप सनस्क्रीन स्किप नहीं कर सकते अगर आप किसी भी टाइप की पिगमेंटेशन या फिर कोई और स्किन इश्यू से जूझ रहे हैं। एंड मैंने रिसेंटली गुलाब ग्लाइकोलिक एसिड जो फेस मास्क था डॉक्टर शेड का, ये फिनिश किया। ये मेरा मतलब ये फेस मास्क है जो मुझे बहुत पसंद आया, इसे करीब 6 महीने से मैं पिछले यूज कर रही थी, जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था तभी मैंने इसे लिया था और आपके साथ रिव्यू भी शेयर किया था। अमेजिंग प्रोडक्ट है। अगर आप बिगनर हैं, कोई क्ले मास्क खोज रहे हैं जो आपकी स्किन को ड्राई ना करे, आपके जो नेचुरल ऑयल्स हैं स्किन में उसे सक ना करे, तो आप इस फेस मास्क को एक चांस दे सकते हैं। अमेजिंग प्रोडक्ट है, फ्रेग्रेंस फ्री है, ऊपर से फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट एक्चुअली मुझे पसंद है क्योंकि फ्रेग्रेंस हमारी स्किन के लिए कुछ भी अच्छा नहीं करती, तो इसीलिए मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी सनस्क्रीन के बारे में, तो अभी फिलहाल मैंने ये दो सनस्क्रीन है जो फिनिश किए हैं। इसके अलावा अभी बीच बीच में मैंने कुछ सनस्क्रीन ट्राई किए थी लेकिन वो अभी खत्म नहीं हुई है, तो यही दो है जो मैंने फिनिश किया। ये है फॉर्मूला RX की हाइड्रा शील्ड विटामिन सी प्लस पैप्टाइड जेल सनस्क्रीन। अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट है, यू शुड ट्राई दिस वन एटलीस्ट वंस। उसके बाद ये वाली सनस्क्रीन, ये इससे पहले मैं ये वाली सनस्क्रीन यूज कर रही थी, ये है डॉक्टर शेड की विटामिन सी सेरामाइड रेंज वाली सनस्क्रीन। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट सनस्क्रीन है। फिलहाल मैं डॉट एंड की स्काई ब्लू रेंज की जो बैरियर रिपेयर वाली रेंज है वो सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। अमेजिंग कंपोजिशन, एक्चुअली इससे ज्यादा अच्छी मुझे वो लगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि उसकी कंपेरिजन में इसका प्राइस ज्यादा है, जबकि इसकी इसकी और उसकी जो कंपोजिशन है वो बहुत अच्छे से कंपेरेबल है। आपके बैरियर्स को रिपेयर करने के लिए कई तरह के सेरामाइड और स्किन लाइक इंग्रेडिएंट है लाइक दिस सनस्क्रीन, तो इसीलिए वो सनस्क्रीन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। अभी रिसेंटली उसका भी मैंने रिव्यू आपके साथ शेयर किया था। तो यही थे मेरे स्किन केयर एमटी। तो गाइज मुझे उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने इनमें से कुछ भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं तो उनके साथ अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में सबके साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हैं। मैं इसी टाइप के ऑनेस्ट रिव्यूज टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। सो याद आ सा फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।